सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अब जो एक स्ट्रिंग और एक बॉब के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इसको बॉब कहते हैं। ये एक मास होता है जिसको और कभी ये बॉडी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि कभी ये मीन पोजीशन के नीचे जा रही है और कभी ये मीन पोजीशन के ऊपर जा रही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जबकि अब दूसरी को हम पुश करने जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो हम इधर इस्तेमाल करते हैं हुक्स लॉ को। क्या कहते हैं हुक्स लॉ, कहते हैं कि